हाय फ्रेंड्स, संगीता किशोरू चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कद्दू एक न्यूट्रिशियस सब्जी है, पर हम सभी खाना इसे कम पसंद करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बचपन में भाई बहन ये सब्जी नहीं खाते थे तो मेरी मम्मी इसमें बेसन लगाती थी और बेसन वाली कद्दू की सब्जी बनाती थी। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती थी, हम ये सब्जी खा लेते थे और हमें पता ही नहीं चलता था कि ये कद्दू की सब्जी है। फ्रेंड्स, आज मैं यही सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनेगी। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं बेसन वाली कद्दू की सब्जी बनाने के इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड्स, इंग्रेडिएंट्स देखने से पहले, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मुझे मेरे चैनल संगीता किशोरू पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, बेसन वाली कद्दू की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, राई, और मैंने थोड़ी शुगर ली है जो कि ऑप्शनल है, और कद्दू मैंने लिया है 250 ग्राम, और हमें लेना है हरा धनिया, हींग, बेसन और तेल। फ्रेंड्स, हमें बेसन वाली सब्जी बनानी है, इसलिए जो आगे का इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो नरम पार्ट होता है इसको हमें हटा देना है, और ये जो पीछे का हार्ड पोर्शन होता है ये भी हमें कद्दू का हटा देना है, और इस तरह से थोड़े हमने मीडियम साइज के या बारीक टुकड़े हमें करने हैं। फ्रेंड्स, सब्जी बनाने के लिए हम पैन में 2 चम्मच तेल गरम करते हैं। फ्रेंड्स, तेल थोड़ा गरम हो जाए फिर हम इसमें डालते हैं राई। बेसन वाली सब्जी में मूंगफली का तेल ले तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। राई अच्छे से फूटने लगी है और अब हम इसमें डाल देते हैं हींग थोड़ा सा। बेसन वाली सब्जी में हींग भी बहुत जरूरी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हल्दी पाउडर अब हम डालते हैं और लाल मिर्च पाउडर हम डालेंगे। जरा जल्दी करना चाहिए, ये तेल गर्म है इसलिए, और तुरंत ही हम डाल देते हैं इसमें कद्दू और अब मिक्स कर देते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है और लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप अपनी अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। कद्दू को मैंने थोड़े छोटे टुकड़े ही किए हैं और साफ धोकर फिर हमने इसमें डाला है सब्जी में। अब हम इसमें डालते हैं नमक थोड़ा सा स्वादानुसार, हमें बेसन भी डालना है उस हिसाब से हमें लाल मिर्च पाउडर और नमक सब्जी में डालना है। मिक्स कर देंगे सब्जी को अच्छी तरह से और हम इसको ढककर धीमी आंच पर कुक करेंगे। फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो गए हैं, कद्दू को हमने धोकर डाला था, नमक भी इसमें डाला है, सिर्फ काफी पानी छूटा है, आप देख सकते हैं कद्दू में। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन, बेसन डालकर हमें इसे और कुक करना है। लगभग 1/2 कप के बराबर बेसन हम इसमें डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, सारा पानी जो इसमें कद्दू में छूटा था वो बेसन डालने से सब एब्जॉर्ब हो गया है और बेसन भी उस पानी में बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ी सी शुगर, में डाल रही हूँ जो कि ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं, आप नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच शुगर डालिए और थोड़ा सा तेल, बेसन वाली सब्जी है तो मूंगफली का तेल हम इस तरह से ऊपर से डालते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सब्जी का टेक्स्चर एकदम फ्लफी हल्का बनता है, इसलिए मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। और अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कद्दू की मसालेदार चटपटी सब्जी और कद्दू की खट्टी मीठी भंडारे वाली सब्जी, ये रेसिपीज भी मैंने आपके साथ शेयर की है संगीता किशोरू चैनल पर, आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में इसके डिटेल्स दे रखे हैं। और रेसिपीज पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। अब हमने सब्जी को अच्छी तरह से मिक्स भी कर दिया है, अब मैं इसको ढककर फिर से धीमी आंच पर हमें बेसन को अच्छी तरह से कुक करना है। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 4 मिनट हो गए हैं, हम इसे लीड को हटा देते हैं और बहुत ही अच्छी सब्जी की खुशबू आ रही है। मैंने इसको बीच में भी 1-2 बार इस तरह से मिक्स कर दिया था, बेसन वाली सब्जी है तो हमें ध्यान रखना है, हमने ऊपर से थोड़ा सा तेल डाला है इसलिए भी कढ़ाई एकदम साफ रहती है, बिल्कुल भी बेसन नीचे नहीं चिपकता है। और अब हम इसमें डाल देते हैं, सब्जी हमारी एकदम तैयार हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और फिर मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी गैस बंद करके। फ्रेंड्स, ये बेसन वाली कद्दू की टेस्टी सब्जी तैयार है, बहुत ही झटपट रेसिपी है, ये झटपट बन जाती है। और आप पसंद आई ये रेसिपी आपको तो लाइक जरूर कीजिए।